Assembly, which is held during the months of January to March each year. The general discussion on budget proposals shall take place for at least 4 days during the session. The second is, the Assembly may recommend the proposals to the government for the next budget on a resolution moved by the Finance Minister after the conclusion of the discussion. Honorable Speaker, my point is that you have today's budget speech. Is there any input of any member of the House? जी राणा साहब, थैंक यू वेरी मच सर. मैं आपको इस पे ये बता दूं कि जो आप प्री बजट डिस्कशन की बात कर रहे हैं, ये हमारे रूल्स में है. ये प्रीवियस असेंबली, जो इससे पिछली असेंबली थी 2013 में, इसकी ज़रूरत महसूस की गई. इससे पहले नहीं ये हमारे रूल्स में होता था. फिर ये समझा गया कि ऑनरेबल मेम्बर्स की इनपुट है, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में आर्टिकल 125 इन्वोक किए. जब हमने आर्टिकल 125 इन्वोक किया तो हमारे पास एक महीने की कदगन है, और उस महीने में ऑन द सर्टेन डेट इफ वी डोंट अप्रूव द बजट द नॉर्मल बिजनेस विल कम टू द स्टैंड स्टिल. तो हमने कुछ चीज़ें डिस्पेंस विद की थी जब पिछली दफ़ा, आपको याद होगा, जब एक महीने के अखराजात दिए थे. इस पर मैं एक डिटेल रूलिंग, आपके सवाल को पर्टिनेंट है, आई विल गिव नो नो अदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. जी ये पैनल ऑफ चेयर का ऐलान करें सर प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्लीज एक सेकंड सर, पैनल ऑफ चेयर का ऐलान करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कवायद इंज़िबात कार सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के कायदा 13 के तहत जनाब स्पीकर ने असम्बली के मौजूदा इजलास के लिए मंदरजा ज़ैल तरतीब से 4 मौजूद अराकीन पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयर पर्सन नामजद फरमाया है. नंबर 1 जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइच MPA PP 30. नंबर 2 राना मुनव्वर हुसैन MPA PP 78. नंबर 3 सैयद अली हैदर गिलानी MPA PP 213. नंबर 4 जनाब गुलाम रजा MPA PP 192. शुक्रिया. जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का दिन गवर्नर पंजाब ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 134 और रूल 147 के तहत सालाना और ज़िमनी बजट पेश करने के लिए मुकर्रर किया है. मैं वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान को दावत देता हूँ कि वो बजट तकरीर का आगाज़ करें.